छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड पर है। सीएम भूपेश बघेल भी चुनाव को लेकर एक्शन में आ गए हैं। विधानसभा चुनाव 2023 के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश में 75 पार की जीत के प्लान में लग गए हैं। इसी को देखते हुए कांग्रेस ने संभागीय सम्मेलन की शुरुआत कर दी है। पहले बस्तर फिर बिलासपुर में सम्पन्न हुए संभागीय सम्मेलन के बाद कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन गुरुवार को दुर्ग जिले के स्टील कॉलोनी बाईपास रोड स्थित चौहान इम्पीरियल में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन का शुभारंभ छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। इस सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन कर कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। सम्मेलन में सरकार की योजनाओं को युवाओं किसानों तक पहुंचाने तथा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की बात कार्यकर्ताओं से कही गई। खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव के समय जब लगातार हम लोग दौरा कर रहे थे तो मैंने देखा कि घंटी स्क्रीन डिस्प्ले बोर्ड चल रहा था, जाते आते मैंने देखा उसमें लिखा है खैरागढ़ जिला बनने में 7 दिन 5 घंटा बाकी। खैरागढ़ जिला बनने में 7 दिन 5 घंटा बाकी। फिर अगले दिन गया 18 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपये का कर्जा माफी। दूसरी बात, राशन कार्डों के बारे में बहुत सरलता से हम लोग लेते हैं कि ठीक है राशन कार्ड बन रहा है, लेकिन आप उन 15 सालों को याद करिए जिनका नाम गरीबी रेखा के नीचे होता था, केवल राशन कार्ड उनका बनता था। कई बार जब हम विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे जाते थे तो लोग आवेदन लगाते थे कि राशन कार्ड बनाओ, गरीबी रेखा में नाम लिखवाओ। एक तरफ से ये कहा गया था 2018 के चुनाव में कि हम सभी के लिए राशन कार्ड बनाएंगे, गरीबी रेखा के नीचे नाम हो या ना हो। लगातार राशन कार्ड बनाने का क्रम चल रहा है। 72 लाख से बढ़ के अभी जब नया आंकड़ा प्रकाशित हुआ है 74,54,000 लोगों को राशन कार्ड छत्तीसगढ़ में अब तक दिया जा चुका है।